कॉफी बनाना चाहते हैं, एगलेस बनाना चाहते हैं, तो आप एगलेस भी इसको बना सकते हैं। तो उसमें भी सोडा और बेकिंग सोडा की ज़रूरत होती है। दूसरा, मैं यहाँ पर जो एग डाल रही हूँ, तो मैंने इसमें सिर्फ 1 ही एग यूज़ किया है और लगभग हमें इसे 5 मिनट के लिए इसको फेंटना होगा अच्छे से, ताकि ये फ्लफी बन जाए। और यहाँ पर मैंने लेनी है 1/2 टीस्पून रिफाइंड है ये, और रिफाइंड में हमारे में कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, विदाउट स्मेल ही हमें इसको रिफाइंड को लेना है। और 1 स्पून ही हमें इसमें डालना होगा। तो मैं लगभग इसे 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरा अगला प्रोसेस क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये हमारा एग और चीनी का सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें जाएगा, मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड करूंगी, लगभग 1 बड़ा स्पून मैंने वनीला एसेंस और डाला हुआ है इसमें। साथ ही साथ जाएगा 2 से 3-4 ड्रॉप इसमें पाइनएप्पल की, अब इधर है मेरे पास कंडेंस मिल्क, तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। लगभग ये कंडेंस मिल्क मेरे पास 2 स्पून है। और मैदा को मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर से छान लिया है, तो ये लगभग 1 कटोरी मैदा है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बैटर इस तरह का होना चाहिए, न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा गाढ़ा। अब मैं यहाँ पे ग्रिल टोस्टर को अपने को प्रीहीट करने रख देती हूँ। और ये केक ऐसी है कि इंस्टेंट ही बनती है, जब भी आपका मन करे थोड़ा सा कुछ बनाना हो, अगर आपके पास ग्रिल टोस्टर है तो आप इसे अच्छे से इसको बना सकते हैं, कभी भी ट्राई करिएगा इसको। मैं तो मोस्टली इसको बनाती रहती हूँ। अब इसमें जाएंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और एक साइड से ही हम इसको मिक्स करेंगे।
अब हमारे जाएंगे इसमें मगज सीड्स, और यहाँ पे मैंने जो मैदा थी जो मेरी इसमें नीचे थी बहुत जरा सी, चौथाई चम्मच से भी कम मेरी पास मैदा थी। तो ये जो हमारे पास नट्स हैं जिसमें बादाम है और काजू है, और साथ ही साथ मैंने इसमें किशमिश डाली हुई है और मगज सीड्स है, तो मैं इनको इसमें मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और ये मैदा लगाने का रीजन ये है कि सभी जगह मिक्स हो जाएगा और आपका एक ही जगह ये इकट्ठा नहीं होगा। अब यहाँ तो मेरा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैं फाइन ऑयल लगाऊंगी इसमें नीचे और ऊपर भी, और हमें इस तरह से पूरा बैटर नहीं डालना है क्योंकि ये काफी फ्लफी होता है, तो जब ये फूलेगा तो ये बाहर भी आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं डालना है हमें इसमें। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे मैं इसको ऑन करके और इसका ढक्कन लगा देती हूँ और इसको बेक होने देती हूँ। लगभग ये 5 मिनट्स में ये मेरा केक बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ये मेरा ग्रिल केक कैसा बनके रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ये ग्रिल केक बनके तैयार हो चुकी है, आप पास से भी देख सकते हैं इसको इस तरह से। ये अभी काफी गर्म है और ठंडा होने के बाद आप इसको स्पंजी देखिए आप इसकी। तो मैं अब इसे ठंडा होने के लिए रखती हूँ और इसकी गार्निशिंग की तैयारी करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये केक ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना स्पंजी है। साथ ही साथ मैंने इसके चारों तरफ से इसकी कटिंग कर रखी है और यहाँ पे मैंने अपनी व्हिप्ड क्रीम बना रखी है। तो ये मैंने रेड कलर की है और ये ग्रीन कलर की है, तो ये मेरे जेल कलर है और ये विद एसेंस होते हैं। तो इसमें तो मेरा ये स्ट्रॉबेरी एसेंस है और ये यहाँ पे मेरा ग्रीन कीवी एसेंस है ये और इसमें मैंने कीवी का सुगर सिरप भी ऐड किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी गार्निशिंग करती हूँ। तो मैंने एक साइड से तो मैंने ग्रीन कलर है इसमें ग्रीन क्रीम इसमें लगानी है पहुंच कर दे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाफ में मैंने ये लगा दिया ग्रीन कलर और हाफ में मेरा रेड कलर है, ये पिंक है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोनों कलर इसमें मैंने क्रीम से लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें फ्लावर बनाती हूँ। तो मैंने इसमें रेड कलर लिया हुआ है, तो जो मेरा रेड कलर है वो इसमें
ग्रीन कलर में मैं लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पिंक फ्लावर बनके तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं इसी तरह से मैं ग्रीन फ्लावर भी बना के तैयार कर लेती हूँ। पहले तो हमें एक लंबी सी लाइन खींचनी होगी इसमें, इस तरह से। अब यहाँ पे हम तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी केक बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर मेरी ये केक बनके तैयार हो चुकी है और मैरी क्रिसमस केक बनाई है मैंने ये, और बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इसी तरह से इंस्टेंट ही ये केक बना सकते हैं। जब भी आपका मन हो तो आप टोस्टर में या पैन केक की तरह इस केक को बनाइए और एंजॉय करिए। आप देख सकती हैं पास से भी कितनी अच्छी और डेलीशियस केक बनके तैयार हुई है। तो चलिए मैं ऐसी ही रेसिपी में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।